सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ बेस्ट शेटर पैक फॉर माइनक्राफ्ट। तो गाइस, शेटर पैक आखिरकार यूज किस लिए होते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। कि शेटर पैक है गाइस, वो उनका काम होता है माइनक्राफ्ट के अंदर गेम के अंदर जो लाइटिंग होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं और शेडोज को इम्प्रूव करते हैं। तो गेम के अंदर जितने भी शेडोज हैं, लाइटिंग है, वो जो थोड़े बहुत इफेक्ट वगैरह है उसको भी भाई इंक्रीज करते हैं शेडर्स पैक। तो गाइस, शेडर पैक है वो मेनली आपकी लाइटिंग को और इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर देते हैं। और जो भी मैं शेटर पैक हैं वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो नंबर वन पर शेटर पैक है गाइस, उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी क्योंकि भाई काफ़ी सारे मेरे यूजर्स ऐसे भी होंगे भाई जिनकी डिवाइस अच्छे नहीं होंगे इतने ज़्यादा, उनके डिवाइस में इतनी पावर नहीं हो, शायद वो इतने अच्छे शेटर पैक यूज़ कर पाएँ। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा यूज़र भी होता है जिसके शेडर इतने पावरफुल शेडर यूज़ नहीं कर सकता है, तो उनके लिए भी भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो नंबर वन पर भाई लो शेडर पैक होंगे। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे शेडर पैक्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। और मैं सभी शेडर पैक आपको यूज़ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आप अपने डिवाइस के हिसाब से खुद चेक कर लेना। आप जब शेडर पैक यूज़ करोगे तो आपको ये चेक करना है कि आपका डिवाइस है वो गर्म नहीं हो रहा हो ज़्यादा, या फिर उसके उस शेडर पैक को यूज़ करने पर आपके गेम के अंदर लैग नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे जैसे शेडर पैक को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगी चल जाएगा कि अगर मेरा डिवाइस गर्म हो रहा है या थोड़ा लैग हो रहा है गेम को। और ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिले तो आपको थोड़ा लोअर क्वालिटी के शेडर की तरफ चले जाना है, और आपका डिवाइस थोड़ा ठीक चले तो आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का शेडर पैक भी यूज कर देख सकती हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस, पिछली मेरी वीडियो में भाई इस चीज को लेकर बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई टेक्सचर पैक भी आप साथ में प्रोवाइड करो, आप कौन सा टेक्सचर पैक यूज करते हो, कौन सा शेडर पैक यूज करते हो। तो इस वीडियो में मैं टेक्सचर पैक नहीं दे रहा हूँ, इसे नेक्स्ट वीडियो या एक तो वीडियो के बाद मैं आपको टेक्सचर पैक प्रोवाइड करा दूं। कि शेडर पैक्स मिलना काफी इजी होता है, टेक्सचर पैक मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि मैंने जो टेक्सचर पैक डाउनलोड किए थे वो अलग अलग साइट्स पर से किए थे और बड़ी मुश्किल से मुझे ये टेक्सचर पैक मिले थे, क्योंकि टेक्सचर पैक मिलना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको बेकार में कोई भी टेक्सचर पैक नहीं चिपकाने वाला हूँ, मैं आपको अच्छे टेक्सचर पैक प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे टेक्सचर पैक वाली वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए गाइस मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ। और गाइस, पिछली वीडियो में एक कमेंट ये भी आया था कि भाई आप बहुत बेकार वीडियो बनाते हो। भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है काफी बार वीडियो बनाने का, क्योंकि भाई अभी मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मैं सारा दिन अगर घर पर बैठा रहूँ और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ तो भाई मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। सो ऐसी नौबत ना आए इसलिए भाई मेरे को बाहर जाकर जॉब ढूंढनी पड़ती है। और इसीलिए गाइस मैं थोड़ा यूट्यूब के ऊपर कम ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपने कमेंट किया उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और भाई बहुत सारे लोगों ने 3-4 कमेंट किए थे, इतने कमेंट मेरी वीडियोस पर नहीं आए हैं, लेकिन पिछली वीडियो में काफी अच्छे कमेंट आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।